नमस्ते। तो आज हम बनाने जा रहे हैं अंडा बिरयानी। इसके लिए हम 6 अंडा ले लिए हैं, एक कटोरी चावल धोकर रख लिए हैं, यहाँ पर प्याज और गरम मसाला। तो चलिए, पानी अगर गरम हो गया है टब में, तो इसमें हम चावल डाल देते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ खड़े गरम मसाला लिए हैं, दालचीनी, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और लौंग, जीरा, आधा नींबू। तो इसमें हम चावल में डाल देते हैं। यहीं पर हम आधा नींबू का रस डाल देते हैं, इससे चावल खिला खिला बनेगा। एक चम्मच नमक डालकर मिला लेते हैं। इसमें एक चम्मच हम घी डाल देते हैं, तो डालकर मिला लेते हैं। इसको 90% पकाएंगे। पर 6 अंडा ले लिए हैं, इसमें थोड़ा सा हल्दी डाल लेते हैं, थोड़ा सा लाल मिर्च, नमक डालकर इसको हम मिला लेते हैं अच्छे से। इस तरह से मिला लेते हैं, मिल गया। फॉक से इसको इस तरह से थोड़ा सा ही कर दे, इससे फटेगा नहीं। चाकू से भी इसे कर सकते हैं। 90% चावल पक गया है, तो इसको हम पानी निकाल लेते हैं। कढ़ाई गर्म हो गया है, तो इसमें हम तेल डालकर प्याज भून लेते हैं। तो यहाँ पर हम 4 प्याज ले लिए थे, इसको तेल में डालकर भून लेते हैं। प्याज भुना गया है, तो इसे हम निकाल लेते हैं। तो प्याज हम सब निकाल लिए हैं, इसी में हम अंडा फ्राई कर लेते हैं। फ्राई हो गया है, तो इसे हम निकाल लेते हैं। अंडा फ्राई कर लिए हैं, इसमें थोड़े से हम गरम मसाला डालते हैं, एक तेजपत्ता डालते हैं, एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट दरदरा बना लिए थे, इसको भी डाल देते हैं, डालकर मिला लेते हैं। 3 हरी मिर्च ले लिए हैं, इसको कट करके इसको भी डालकर भून लेते हैं। यहाँ पर हम सूखा मसाला डालेंगे, तो एक चम्मच धनिया पाउडर डालते हैं, एक चम्मच गोल की जीरा पाउडर, चम्मच लाल मिर्च और आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालकर मिला लेते हैं। गैस का फ्लेम लो रखें सूखा मसाला डालते समय। यहाँ पर हम एक टमाटर को पीस लिए हैं, इसको भी डाल देते हैं। हम थोड़ा सा दही डाल देते हैं, दही स्किप भी कर सकते हैं। तो इसमें हम अंडा डाल लेते हैं जो फ्राई किए थे, जो प्याज भून कर रखे थे वो भी डाल देते हैं, थोड़ा सा धनिया का पत्ता, हरा पत्ता भी डाल देते हैं। इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, मसाला कहीं लगेगा। अब यहाँ पे हम चावल डाल देते हैं। यहाँ पर जो हमने प्याज बचा के रखे थे वो भी डाल देते हैं, हरा धनिया डाल देते हैं। आपके पास पुदीना के पत्ता है तो डाल दीजिएगा, मेरे पास अभी नहीं है तो हम हरा पत्ता डाल रहे हैं धनिया का। यहाँ पर एक चम्मच हम फूड कलर डालते हैं, जो मिठाई में पड़ता है ना, वही, इससे कलर बढ़िया आएगा। यहाँ पर एक चम्मच हम केवड़ा जल डाल रहे हैं, इससे खुशबू बढ़िया आता है, बिरयानी का टेस्ट अच्छा होता है। इसको ढक कर हम 10-12 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकाएंगे। तो इसको हम ढक दिए हैं, धीमी आँच पर हम 12 मिनट तक पकाते। तो 10-12 मिनट हो गया है, देखिए बिरयानी बन गया है, देखिए कितना बढ़िया बना है बिरयानी। तब जब भी खाने का मन करे तो आप बना सकते हैं, बहुत आसान तरीका से बन जाता है बिरयानी।